सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों की जान बचाने को योगी से लगाई गुहार। अपना वीडियो ट्वीट कर हालात की गंभीरता से कराया अवगत। अमरोहा जनपद के हसनपुर क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय सतेडा की प्रिंसिपल ने जर्जर हो चुकी स्कूल की बिल्डिंग की हालत एक सेल्फी वीडियो के माध्यम से प्रदेश के मुखिया और जिला प्रशासन तक ट्वीट करके गुहार लगाई है। महिला प्रधानाचार्य ने सरकार को इस वीडियो के माध्यम से सचेत करते हुए जर्जर हो चुकी बिल्डिंग की हालत दिखाते हुए कहा कि बरसात का समय चल रहा है, अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार उसे ना ठहराया जाए, क्योंकि वो विगत 3 सालों से विभाग को लिखित में शिकायत करती आ रही है क्योंकि अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए आखिर में उसने इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश की योगी सरकार को दुर्घटना से पहले आगाह कर दिया है। सर एक्चुअली क्या मामला है कि मैं यहाँ 2017 में ट्रांसफर लेके आई, स्टार्टिंग से ही बताती हूँ। तो यहाँ जो आपने अभी दिखाना आप ये कि ये आधा मेरा ये थोड़ा स्पेस है स्कूल का, दो रूम इधर बने हुए हैं, ये जो आधा है पूरी बिल्डिंग जर्जर है। तो मैंने 2017 में आते ही मैंने एक एप्लीकेशन लगाया था कि उस टाइम पे ये बच्चे इधर ही बैठते थे, वो अभी हम लोगों ने शिफ्ट कर दिए हैं उधर, हम इधर नहीं बैठने देते। 2017 में मैंने एप्लीकेशन लगाया, 18 में अपने आप ही उधर पीछे की दीवार रूम की हमारी गिर गई, पानी भर गया था, गिर गई दीवार। देन उसके बाद में सर मैंने विद फोटोग्राफ अपना पूरा एप्लीकेशन लगाया PSA ऑफिस, SDI सर थे उस टाइम, उनको मैंने अपना पूरा एप्लीकेशन भिजवाया, पूरी समस्या बताई, वो आके निरीक्षण भी करके गए, देखा भी सिचुएशन खराब है। देन सर उसके बाद में मैं कंटिन्यूसली एप्लीकेशन लगा रही हूँ, कंटिन्यूसली उन लोगों को, मतलब मैं फ़ोन भी करती रहती हूँ 15 दिन में 20 दिन में, सर प्लीज़ कुछ करो, यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। क्योंकि सर ये एक मतलब खड़गवंशी तबका होता है, उनका गांव है ये, यहाँ पे तो ये लोग बहुत आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, वो तो सर मतलब अगर जो इनके बच्चे के साथ में कुछ भी जरा सा भी दुर्घटना हो जाती है तो मतलब यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाए, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और दूसरी बात सर ये है कि हम जिन बच्चों के लिए हम यहाँ पे हैं, जिन बच्चों के लिए हम पूरा दिन यहाँ पे, जिसके लिए हमें एक सैलरी दी जा रही है, उन्हीं बच्चों को अगर जो हम सेफ नहीं रख पाएंगे तो मुझे नहीं लगता इस जॉब का हमें कोई ज़रूरत है। सर ये अभी यहाँ पे भी 10 दिन पहले एक बारिश हुई थी, तो 10 मिनट की बारिश में पूरे परिसर में पानी भर गया था। तो वो मैंने, मेरी गलती ये रही शायद कि मैं सच बताना चाहती थी, और मैंने छुट्टी के बाद बच्चों को गोदी में ले लेके हमने बाहर निकाला, उसके बाद मैंने वो लाइव कर दिया, ये छुट्टी के बाद की बात। तो लाइव होने के बाद सर नेक्स्ट डे मेरे पास वो फेसबुक से जैसे भी हुआ हो, लाइव किसी ने देखा हो या कुछ भी हो, तो मेरे पास में विभाग से लेटर आता है नेक्स्ट डे कि जो आपका जर्जर भवन है जो संबोधित कर रहे हो आप बंद कराइए, ग्राम प्रधान के साथ में कैसे भी करके मीटिंग करके और एक मतलब व्यवस्था कराइए वहाँ को बच्चों को रखने की, या फिर आपके पास जो सही भवन है उसमें बच्चों को। तो वो जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए वो वीडियो बनाया था कि ये जो मेरा स्पेस है थोड़ा उसी ब्रांडे से होके हम नल पे जा रहे हैं, उसी ब्रांडे से होके हम मल्टीपल हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं, उसी ब्रांडे से होके हम शौचालय यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे को मैं उधर से कैसे, हम लोग भी उधर से ही जाते हैं, पूरा मेरा स्टाफ भी उधर से ही जाता है, मेरे बच्चे भी उधर से ही जाते हैं, तो हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं। तो वो मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने उसमें कोई ये नहीं किया था कि मैं उसमें कोई शिकायत कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, मैंने उसमें एक सवाल पूछा था बाद में, और समाज से भी सवाल पूछा था, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन शिक्षक पे आजकल क्वेश्चन मार्क बहुत जल्दी लग जाता है कि वो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, घर में बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, हमारी सिचुएशन कोई नहीं देखेगा, हम घर घर जाके बच्चों को बुला के ला रहे हैं, आप यहाँ पे देखो ये खादर का गांव है, यहाँ व्यवस्था देखो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगे ना। तो सिर्फ मैंने वही उसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लाइव किया था, उसके बाद मुझे वीडियो मजबूरन बनानी पड़ी। हाँ जी, आज सुबह ABSSR आए, वो निरीक्षण करके गए हैं, वो बोल रहे हैं कि आप एक SMC की मीटिंग करके हमें दो, उसके बाद में हम विभाग से लगाते हैं। तो सर वो तो 4 साल से लग रही है, एप्लीकेशन तो मैं बहुत लगा चुकी हूँ, और उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि ये कुछ हो जाए, और ये तो PWD के हाथ का मामला है, मतलब PWD इसको जब चाहे तब करा सकते। तो मेरा तो सर यही निवेदन है कि इस मतलब कुछ ना करके सिर्फ और सिर्फ इस भवन को यहाँ से, उसका जो भी है नीलामी करके जो भी प्रोसेस होता है यहाँ से हटा दें, जिससे कि मेरा बच्चा सेफ रहे, बस मेरा इतना मेरा कहना है, बाकी और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं।